मैं चाहूंगी कि मैं वालिद साहब से माजरात के साथ कि मैं आपसे दोबारा पूछना चाहूंगी कि क्या हुआ। मुझे पता है आप कई न्यूज़ चैनल्स पे गए होंगे, कई जगह आपने ये दास्तान, जिसकी तकलीफ मुझे पता है आपके दिल में बहुत होती होगी जब आप बताते होंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें, इसलिए कि हो सकता है कि कोई आपके इर्द गिर्द का ही बंदा हो जिसने देखा हो और उसका उसकी उसको वो आपको बता सके, कोई ऐसा गवाह हो, कोई चश्मदीद गवाह हो जो आपकी मदद कर सके और आपकी मदद से बहुत सारे और बच्चियों की जानें बच सके। क्या हुआ था वो, कितने दिन पहले की ये बात है, क्या हुआ था? ये तो जुमे के दिन हमारा बेटा जो है लापता हो गया। ये जो जुमा गुजरा है अभी? ये जो जुमा गुजरा है, हाँ, सुबह को उठ गया था तकरीबन 7 बजे के टाइम, 7:30 बजे के टाइम, और हमारी अम्मा ने जो है ना उसको चाय का कप भर दिया हो। आपकी अम्मी ने बना के दिया? जी हाँ। फिर जो है वो कह रहे थे कि मैं दुकान से बिस्कुट लेने जा रहा हूँ, हाँ, तो हमारा अम्मा ने उसको पैसे दिया, जाओ बिस्कुट ले लो। दुकान भी हमारा घर के करीब ही था, दूर नहीं था, और वो आती जाती रहती थी दुकान पे ऐसे, हाँ, खुद आती जाती रहती थी, कोई मसला नहीं, खुद आती जाती रहती। सारे जानने वाले इलाके, मतलब उस इलाके में सब आपके जानने वाले हैं? हाँ, सब जानने वाले हैं, मतलब उधर जाती थी दुकान में और आती थी, ऐसा कोई वाकया कोई मसला पेश नहीं। कितने बच्चे हैं आपके? हमारा उससे बेटी से एक बड़ा बेटा है और ये छोटी बेटी थी, बस दो बच्चे। जी हाँ। फिर जब देखा तो हमारा बच्ची नहीं आया, तकरीबन 10-15 मिनट हम लोगों ने इंतजार किया, बच्ची नहीं आया। आप घर में थे उस वक्त? मैं उस वक्त सो रहा था। अच्छा। हाँ, तो हमारा भाई भी जो है ना सो रहा था, अम्मा ने जगाया कि जाके देखो बच्ची अभी तक घर नहीं आया। हमारा भाई भी उठ के चला गया, देखा तो बच्ची कहीं भी नहीं थी। फिर हमारा को उठाया, हम भी उठ गए, बच्ची को ढूंढने के लिए गए, लेकिन बच्ची हमें नहीं मिला। फिर मस्जिद में गए, मस्जिद में ऐलान करवाया, लेकिन कोई ऐसे नहीं बताया कि इधर गया हुआ है या कोई ऐसे ले गया है। या आप किसी दुकान वाले के पास गए, उससे जाके पूछा आपने? जी, दुकान वाले के पास तो गए हम, दुकान वाले ने बोला कि जी हमने बिस्कुट दे दिया और घर की तरफ जो है ना बच्ची चली गई, फिर हमने देखा नहीं है कि घर पे गई है, लेकिन हमने बिस्कुट दिया चला गया बच्ची, लेकिन हमारा बच्ची घर पे नहीं आया। फिर आपने पुलिस में थाने में कब रिपोर्ट कराई? फिर हम बच्ची को ढूंढने गए, हमने बोला अभी कोई ले आएगा या हमें मिल जाएगा, चलो चेक करते देख लेते। हमारा चाचाजाद भाई हो गया और हमारा भाई भी हो गया, हम बहुत ढूंढा, लेकिन हमने सोचा कि हमारा बच्ची हमारे मोहल्ले में नहीं है, कोई बाहर से आया हुआ है, बाहर कहीं लेके गया हुआ है, तो इसलिए हम बहुत दूर दूर ढूंढने के लिए चला गया। लेकिन बहुत लोगों को पोस्टर दिखाया, किसी ने ये नहीं बोला कि ये हमने देखा हुआ या तस्वीर आप लेके घूम रहे थे बच्ची? जी हाँ, तस्वीर लेके घूम रहे थे और पोस्टर भी चपवा रहे थे कि हमारा बच्ची गुम हो गया। ये जुम्मे की ही बात चल रही है अभी? जी हाँ, जुम्मे की थी। हाँ जी। फिर जब नहीं मिला तो हम गए FIR कटवाने के लिए। FIR कटवाने किस दिन गए? ये हमारा भाई ने बोला कि चलो थाने चलते हैं, अभी तो बेटी हमारी जुम्मे को ही। हाँ, वही जुम्मे को रात को फिर हम चले गए। हाँ। फिर थाने में हमारा FIR लिखवाया, फिर जब आए थाने से तो बस फिर भी ढूंढ रहे थे, नहीं मिला रात को ही। जब नहीं मिला हम घर गए, जब फिर सुबह हो गया, सुबह को फिर हम ढूंढने निकल गए, पोस्टर ले गया, पोस्टर और चपवाया, तो जो है नहीं मिला। फिर थाने से इतला आया कि भाई आप थाने आ जाओ। थाने पे जब गए तो बोला कि आपका FIR कच्चा FIR था, अभी हम लोग जो है ना आपके FIR को पक्का लिख देते और फिर हम कार्रवाई करते, आपके मोहल्ले में आएंगे और छानबीन करेंगे, देखेंगे कौन सा आपका घर है, कौन सा दुकान है, आप फोन नंबर हमें दे दो, हम आपकी गली आएंगे तो आपको इतला करेंगे। तो हमारा भाई ने फोन नंबर दे दिया, लेकिन कोई पुलिस हमारा घर पे नहीं, हमारे मोहल्ले पे उसी टाइम नहीं आया। अगर उसी टाइम उसी दिन पुलिस वाले आ जाते तो शायद हमारा बेटी हमें मिल जाती, लेकिन पुलिस वाले ने उसी टाइम कोई कार्रवाई नहीं किया। पूरा दिन गुजर गया हफ्ते का भी? जी हाँ, FIR भी दूसरा मर्तबा कटवाया और दूसरा दिन भी गुजर गया, दूसरा रात होने वाला था जब हमारा बच्ची हमें नहीं मिला। फिर भी बस हम घर में गए, बहुत थके हुए थे, बस जैसे गए बस ऐसे बैठ गए, बैठने के बाद हम लेटने वाले थे, हम लेटेंगे तो बस वो हमारे रिश्तेदार है, उसने हमारा दरवाजे पे आया, दरवाजे को टकटकाया,
और हमारा वालिद से उठ के चला गया तो उसको बोला कि भाई आपका बच्ची का जो है ना लाश उधर कचरा कुंडी में पड़ा हुआ। आपके बच्चे की लाश, उसको कैसे पता चला कि आपके बच्चे की? उसको ऐसा पता चला कि वहाँ पर जो है एक बंदा आ रहा था जा रहा था आ रहा था जा रहा था। हाँ। तो वहाँ पर जो है हमारे मोहल्ले वाले थे वो लोग जो है ना किसी बाइक को सही कर रहे थे गली में। हाँ। तो उन लोगों ने देखा कि यार ये बंदा आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे। तो फिर जो है ना उनसे पूछा कि भाई आप क्यों आ रहे जा रहे? बोले यार मैं तो यहाँ कचरा फेंकने के लिए आया था और फिर जो है ना मैं ऐसे निप्लेस कचरे में ढूंढ रहा था और तकिया भी कचरे में ढूंढ रहा था। हाँ। फिर जो है हमने ऐसा तकिया उठाया, तकिए के पास जो है ना एक बोरा पड़ा हुआ कपड़ा पड़ा हुआ था। हमने बोले कि कपड़े में क्या है, कपड़े को जैसे बोले कि हमने खींचा तो वो जो है ना बहुत भारी था, है ना। फिर जब वही आदमी जो है ना गली में आया जो मोटरसाइकिल सही कर रहे थे उनको बताया कि भाई ऐसे इधर लाश पड़ा हुआ है, बच्ची का लाश पड़ा हुआ है आप देखो। तो जैसा वो जो मोटरसाइकिल सही कर रहे थे हमारा इलाके वाले थे वो आया, उन लोगों ने देखा तो बच्ची की लाश पड़ी हुई थी कपड़े में बंद पड़ी हुई थी। और जो है उधर हम साथ में कंपाउंड के साथ ही हमारा रिश्तेदार है गांव वाले भी है वो रहते हैं, उसको जो है ना फोन किया। जब फोन किया तो वो नीचे उतर के आया और बोला कि भाई हाँ ये तो जो है ना हमारे रिश्तेदार का बच्ची है, ये इतला आपको किसने दिया? उसने बोला कि ये इसी आदमी ने इतला दिया। तो उसको बोला कि भाई आपको कैसा पता चला? तो वो यही कह रहा था कि मैं कचरा फेंकने के लिए आया था, फिर जो है ना मैं तकिया ढूंढ रहा था, फिर जो है मैं ऐसे निप्लेक्स ढूंढ रहा था कि ये पथरी के ऊपर भी चाह दूँ कि बारिश का पानी या नीचे नहीं आवे। तो ये कह रहा था कि वो फिर बोल रहा था कि मैं उस कपड़े को ऐसे खींचा तो वो बहुत भारी था, फिर हमने देखा तो उसमें लाश था। तो ये उस बंदे का कहना है। फिर आप पुलिस उस वक्त तक पहुंची थी कि नहीं? पुलिस उस वक्त नहीं पहुंची थी। ये हफ्ते की रात को आपको बच्ची मिली? ये मेरा ख्याल इतवार की रात, इतवार की रात यानी कि जुम्मे की सुबह वो दो दिन और दूसरा रात था सैटरडे नाइट संडे मॉर्निंग। ओह माय गॉड। और फिर वो बच्ची की शक्ल पहचानी जा रही थी? थोड़ा सा उसने जो कमीज पहना हुआ था, कमीज तो उस टाइम नहीं था लेकिन जो 14 अगस्त का सफेद सूट था उसका, उसमें पाकिस्तान के झंडे छोटे लगे हुए थे, उन लोगों ने उससे शनाख्त करवाया उसका। लेकिन हमारे को तो पता चल गया दूर से कि ये हमारा बच्ची है, फिर देखा तो बस हमारा बच्ची पड़ा हुआ है। जो उसने ये शर्ट कमीज की तस्वीर है जी हाँ, कमीज तो ये नहीं था लेकिन जो शर्ट था उसका जो है ना वही 14 अगस्त का शर्ट, सलवार पहनी थी वो उसकी 14 अगस्त की। जी हाँ 14 अगस्त की शर्ट थी उसका, उससे पहचान गए। जी हाँ। तो शक्ल वगैरह नुमाया नहीं हो रही थी? शक्ल भी तो हमने बहुत खराब हुआ हुआ था लेकिन फिर भी पहचान में हमारे को आ रहा था कि हमारा बच्ची है। सर में ये कैसे पता चला कि उस बच्ची के साथ ज्यादती हुई? वो तो मेडिकल हुआ ना, इनिशियल में आ गया था, अभी मेरा ख्याल कंफर्म हो गया वो मेडिकल हो गया। कादर भाई केस लेकर के उसको चल रहे हैं आप और केस लेके चल रहे हैं। और बच्चा अपना बच्चा तो कोई किसी भी हाल के अंदर पहचान सकता है, बच्चे की तो अपनी खुशबू होती है, माँ बाप है वो उसको पहचानेंगे। और इलाके में इन्हीं का एक बच्चा खोया हुआ था जी। मगर ये चीज़ जो है ना बड़ी मशकूक है, अल्लाह जाने कौन है मुजरिम, हम किसी को मुजरिम नहीं ठहरा सकते। ये जो भी है ना लेकिन ये आम इंसान नहीं है कोई, ये कोई दरिंदा है, ये कोई मैं तो कहती हूँ कोई शैतान है जो इंसान का रूप धारे हुए है। क्योंकि किसी आम, जब मैं बच्ची की तस्वीर देख रही हूँ इतनी मासूम है, 5 साल की बच्ची कितनी मासूम बातें करती है, मतलब वो गोल मटोल सी बच्ची कैसे कोई मर्द सोच सकता है? 4 साल तक के तो उसे बोलना नहीं आता था बच्ची को, 4 साल के बाद ये अभी बोलना शुरू किया था। जी हाँ, उसका आवाज भी इतना नहीं निकलता था, बोलता भी इतना नहीं था, थोड़ा थोड़ा बोलती थी बच्ची। हमारा वालिद साहब ने बहुत घुमाया, बहुत मुलाओं के पास लेके गया, फिर थोड़ा सही हो गया। जब बोलती नहीं थी वो तब? हाँ इतना नहीं बोलती थी, बोलती थी थोड़ा थोड़ा बहुत बातें करती थी। सुना है आपका इंतजार करती थी जब आप आते थे, रक्षा चला के सीढ़ियों पे बैठी इंतजार। जी बिल्कुल, मिट्टियों के साथ खेलती थी, बोतल में मिट्टियाँ डालती थी और जैसे हमारे को देखती थी
तो यूँ देखते देखते फिर जो है ना हमारे से पहले घर पे चले जाती थी, हमारा माँ को बोलती थी कि आई जो है ना अब वो पापा आ गया बार बार बोलते पापा आ गया, पापा के साथ मैं खाना खाऊंगा। पहले भी वो खाना खा चुका होता, फिर मेरे साथ बैठ जाती थी और खाना खाती थी हमारा साथ। फिर उसकी वालिद उसकी वालिदा की तबीयत तो इतनी ख़राब है कि वो ना आ पाई हैं यहाँ और ना वो बोल पा रही हैं। उनकी कैफियत क्या है इस वक्त, उसकी अम्मी की क्या कैफियत? वो तो इतना रोया, इतना अपने आप को मारा है कि जो है ना उसको आवाज़ बिल्कुल नहीं निकलते है उससे, और अभी तक जो है ना ऐसी तरह पड़ा हुआ है कि बिल्कुल पड़ा हुआ, बस बिल्कुल बेहोश पड़ा हुआ है अभी तक। मुश्किल है, माँ बाप दादी दादा सबके लिए बर्दाश्त करना, आप सब लोग इकट्ठे रहते थे? जी सब लोग इकट्ठे रहते जी। आपके भाई? जी हाँ, उनकी भी फैमिली है और दो भाई है, एक भाई का शादी हुआ है। घर में बस यही दो बच्चे हैं आपके? एक बेटा जी, हमारा एक बेटा एक बेटी था, और एक भाई का जो है ना एक बेटा एक बेटी है। वो बड़े है या वो छोटे? वो उस हमारा से छोटा है हमारा भाई। तो वो इसके बेटी से भी वो उसका लड़का लड़की छोटी है। हाँ। और आपके मोहल्ले में आप कब से रहते हैं, यहाँ जिस मोहल्ले में आप रहते हैं? ये कितने अरसे? बहुत अरसे से हम रहते हैं, हमारा वालिद से भी जो है ना यहाँ पर जो है ना आए हुए। अच्छा, आप कितने अरसे से रहते हैं, कितने सालों से? तकरीबन हम रहते कम से कम 40 साल से हम रहे। और यहाँ पे कभी कोई ऐसा तो सानिहा नहीं हुआ? नहीं ऐसा कोई। जब से ये फैमिली घर वालों को हमने कराची लाया तकरीबन 20 साल हो गया जी। हाँ, फैमिली के साथ हमारी शादी में भी कराची में हुआ है। अच्छा, उसके बाद भी है ना दूसरे बेटे का भी जो है ना कराची में शादी हुआ है। तो ये 40 साल से आप इस इलाके में रहते हैं, यहाँ ऐसी कोई चीज कभी नहीं हुई? ऐसा ऐसा वारदात नहीं हुआ? नहीं हुई, नहीं हुई। और हालात वगैरह ऐसे बच्चे घूम जाते हैं, मतलब ये है कि घंटा दो घंटा या आधा दिन बाद जो है मिल जाते हैं। हाँ। ऐलान करवा के कोई ला के भाई ये बच्चे किसका है। हाँ। तो मस्जिद में ला के वो बोलते हैं ऐसे बच्ची है। और सब जानने वाले लोग होंगे तो आसपास के लोग तो सब आपको जानते भी होंगे ना? जी हाँ। मगर ये बंदा जो है ना जिस बंदे ने बोला कि इलाज पड़ा हुआ है, ये बंदा ये जो जिसका मकान में रहते वो भी हमारा इलाके वाले, हमारा बाबू का वालिद साहब है। हाँ। उसका घर था। हाँ। ये वो कह रहे थे कि ये 8 साल से हमारे बिल्डिंग में पहले रह चुका है। अच्छा। फिर ये गांव चला गया, गांव में पता नहीं कितना टाइम गुजारा, फिर जब कराची आया तो अभी तकरीबन 10-15 दिन हो गया। हाँ। ये और किसी डेरे में रहता था, फिर एक बार आदमी ने बोला ये मकान जो है ना ढूंढ लिया, इस मकान जब लिया ना तो जुमारात वाले दिन को उसको चाबी दिया, और सुबह ये जुमे वाले दिन ये वाकया हुआ। हाँ, तो आपको शक है दो चार लोगों पर? ऐसा तो खास शक नहीं है, मगर क्योंकि बच्ची ऐसे तो किसी के साथ नहीं जाती, वो कोई अगर बच्ची जानती होती तो जाती ना। और आप कहते हैं कि वो उसके नाना के किराएदार था वो लड़का आदमी, तो उसका मतलब बच्ची जो नाना के घर जाती होगी तो वो हो सकता है वो? नहीं, वो उसका नाना नहीं था, वो मेरा छोटे जो बाबू है ना उसका वालिद था। अच्छा अच्छा। इसका जो हमारा पोती है जिसका जी जी, इसका जो है ना नानी घर में गांव में था आ जाए। अच्छा, वो अच्छा। गांव से आ जाया। मैं एक छोटे से वक्फे की तरफ जा रही हूँ, और पूरी रिपोर्ट के हवाले से जाहिर है ये जिस तरह बता रहे हैं क्या चीज़ें ये मिस आउट कर रहे हैं, किसने ये दरंदगी शैतानियत दिखाई है, कौन है वो शैतान? ऐसे लोगों को तो लिटरली चौराहे के बीच में खड़े करके उनको ख़त्म कर देना चाहिए ताकि ये चीज़ें ख़त्म हों, क्योंकि ये कोई आम इंसान नहीं। मैं नहीं समझती कि अल्लाह ने जो मखलूक बनाई है, जो आम इंसान बनाया है, वो इतना गुनाहगार हो सकता है, वो इतना ज़ालिम हो सकता है। छोटे से वक्फा ले रहे जी, वक्फे के बाद सुनिए आप। मावरा है उसका नाम या मारवा है? मारवा है। मारवा जैसे जी मारवा, मारवा मासूम प्यारी बच्ची जो जन्नत में गई है, वो बच्ची इस वक्त जन्नत में गई है, लेकिन जिस दरिंदे ने उसे यहाँ इस दुनिया से इस बेदर्दी से हटाया है उसका कोई हाल नहीं होगा, ना इस दुनिया में और ना उस दुनिया में।